Brought to you by Physics Wala. बिजली न आने से सपा विधायक का दिमाग इतना गर्मा गया कि वो पहुंच गए बिजली विभाग के दफ्तर। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे उन्होंने जो किया उसकी चर्चा सरेआम है। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बदायूं में सपा विधायक की दबंगई का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में सपा विधायक बिजली विभाग के एसएसओ को फटकार लगाते दिखाई देते हैं। वो बिजली विभाग के दफ्तर अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं और सब स्टेशन ऑपरेटर यानी कि एसएसओ से भिड़ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि ये मामला बिसौली बिजली सब स्टेशन का है और हनक दिखाने वाले इन सपा विधायक का नाम है आशुतोष मौर्य। इस पूरी घटना को लेकर एसएसओ अभिषेक मिश्रा का क्या कहना है वो सुनिए। कल रात लगभग 12:05 पर विधायक जी आए और विधायक जी ने आके मेरे साथ बोले सप्लाई नहीं दे रहे हो। मैंने जितनी मिल रही है उतनी हम आपको दे रहे हैं। रोस्टर का नाम लिया, रोस्टर देखने के साथ साथ उन्होंने मेरे साथ अभद्रता करी और मुझे मारा भी और गाली गलौज करी। और जब मेरा हेल्पर वीडियो बना रहा था तो उसका मोबाइल छीन लिया, लेकिन बाद में मोबाइल दे दिए थे। वीडियो बन गई थी उनकी उस समय मेरे साथ और लॉग बुक फाड़ दी गई, छीना झपटी में लॉग बुक फटी है। तो एसएसओ के मुताबिक न केवल मारपीट की गई बल्कि जब वहां पर कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके फोन भी छीन लिए गए और ऑफिस की लॉक बुक को भी फाड़ दिया गया। इस पूरे मामले में एसएसओ ने पुलिस से शिकायत की है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जनपद बदायूं के थाना बिसौली थाना क्षेत्र के 33/11 विद्युत उपकेंद्र टाउन के एसएस श्री अभिषेक मिश्रा द्वारा थाने पर एक तहरीरी सूचना दी गई कि कल रात्रि लगभग 12:05 पर स्थानीय विधायक श्री आशुतोष मौर्य द्वारा बिजली घर पर आकर के और इनके साथ अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसको भी संज्ञान में लिया गया है। इस संबंध में थाना बिसौली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि विधायक आशुतोष मौर्य इन तमाम आरोपों से इनकार करते हैं और वो आरोप लगाते हैं कि उनके बिजली विभाग के कर्मचारी ने अभद्रता की उनके साथ और उनके ड्राइवर से मारपीट की गई। जब पूरे एक तो लाइट की स्थिति है ही खराब, रात में 9 से लेकर रात के 12 तक जब लाइट नहीं आई तो मेरे पास शहर के लोगों के कस्बे के लोगों के मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए रात में 12 कि बधाई जी लाइट नहीं आ रही है, क्या बड़ा इसी तरह बच्चे सो नहीं रहे हैं, इतनी गर्मी में भी लाइट नहीं दे रहे हैं बिजली वाले और 132 से सप्लाई पहुंच रही है लेकिन जो भूखंड है यहाँ पर वहाँ से टाउन के लिए सप्लाई ना देके कोल्ड स्टोरों के लिए सप्लाई दी जा रही है। और जब मुझे ये सूचना आई तो मैंने सर्वप्रथम तो मैंने यहाँ के जो जेई हैं उनको एक्शन को इन लोगों के दुर्भाग्यवश फोन उस टाइम बंद थे। जनरली हो सकता है रात में किन किन कारणों से बंदे तो ये तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद जब मेरी किसी से वार्ता नहीं हो पाई तो मुझे खुद स्वयं जाना पड़ा। मैं और मेरे ड्राइवर वहाँ उपकेंद्र पे गए तो देखा वहाँ 132 की सप्लाई तो आ रही थी लेकिन टाउन के लिए सप्लाई ना देके बिजली घर को सप्लाई दे रही। जब मैंने उनसे रोस्टर के फ़ोटो लेने चाहे तब उन्होंने मेरे संग अभद्रता शुरू कर दी और अभद्रता शुरू करने के बाद उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया मेरे प्रति और उसके उपरांत वो सब चीज़ छोड़ के थाने चले गए। दरोगा एक दरोगा जहाँ मौके पर जो रात में ड्यूटी पर तैनात दरोगा थे वो वहाँ तक आए, उनके सामने मैंने उस रजिस्टर को भी लॉग बुक को मैंने सीन किया है और सीन उकड़ने के उपरांत मैंने अपने मोबाइल में उस लॉग बुक के फ़ोटो भी लिए हैं। उसके उपरांत मैं थाने गया, थाने में जाकर मैंने एक तहरीर दी, वहीं पे कागज़ लिया, वहीं पे पेन लिया, वहीं पे मैंने तहरीर लिखी। तहरीर उन्होंने क्योंकि इंस्पेक्टर साहब निकल के नहीं आए इसलिए मैंने
प्राइवेट जाके सीएससी पे मेडिकल अपने ड्राइवर का कराया, जिसके चोट आई है उसको मैं अभी बनाई भेज रहा हूँ, जो उसका मेडिकल एक्सरे एडवाइज और सीटी स्कैन एडवाइज किया गया उसको। वैसे आपको ये बता दें कि सपा विधायक आशुतोष मौर्य की दबंगई के किस्से पहले भी काफ़ी चर्चा में रह चुके हैं। इससे पहले भी उन पर इसी तरह से दबंगई के आरोप लग चुके हैं। सपा शासन काल में इस तरह के आरोप लगे थे। जिला अस्पताल के सीएमएस के घर का दरवाज़ा तोड़ने का आरोप उनके ऊपर लगा था और ये कहा गया कि दरवाज़ा तोड़कर मारपीट की गई थी, जबकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को भी बंद कर पीटने का आरोप उनके ऊपर लग चुका है। बनायू से हमें ये रिपोर्ट भेजिए हमारे सहयोगी अंकुर चतुर्वेदी ने। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिए और तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए और यूपी तक .in पढ़ते रहिए।